हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूं हजरत निजामुद्दीन दरगाह, और आज मैं आपको बताने वाला हूं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के वो फैक्ट्स जो सबको ही जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, लेता हूं मैं छोटा सा ब्रेक और मिलता हूं आप सबसे डायरेक्ट हजरत निजामुद्दीन पर। तब तक लीजिए आप सफर का मजा। दोस्तों, ये रास्ता जा रहा है दरगाह में, और आप देखेंगे दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, जहां से आप मजार पर चढ़ाने के लिए चादर, फूल, अगरबत्ती बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर इस्लाम से जुड़ी आपको हर तरह की किताब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। साथ में आप देखेंगे यहां पर इस्लाम से जुड़ी हुई आपको हर तरह की तस्वीर मिल जाती है, जिस पर इस्लामिक दुरूद शरीफ, इस्लामिक कलमा और इस तरह की बहुत सारी दुरूद शरीफें लिखी होती हैं, जिन्हें आप अपनी गाड़ी में, घर में, ऑफिस में रख सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर आपको हर तरह का खुशबूदार इत्र भी आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार। दोस्तों, निजामुद्दीन दरगाह शरीफ में दो मजारे हैं। ये देख रहे हैं आप पहली मजार, और आप देखेंगे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फरियादें लेके यहाँ पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग उनसे दुआ मांग रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते हैं। जो भी उनकी मुरादें होती हैं, फरियाद होती है, वो यहाँ हर मुराद, हर फरियाद पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, दिल से मांगने वाले की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये तो आप सभी मानते होंगे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोग अपनी मन्नतों का, अपनी मुरादों का, अपनी फरियाद की चादर चढ़ा रहे हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से लोग यहाँ पे इतनी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, हर जाति के लोग यहाँ पे आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो आप तेल देख रहे हैं दिए में, कोई मामूली तेल नहीं है, ये कलमा से पड़ा हुआ तेल है, और लोग अपनी मन्नत की यहाँ पे अगरबत्ती भी इस तरह जलाते हैं। ये आप देख रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर औरतों के लिए, नमाज के लिए यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई हुई है। और एक जगह पे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, औरतें यहाँ पर इस तरह बैठी हुई हैं, यहाँ पर औरतें बैठ कर कुरान शरीफ, कलमा पढ़ती हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आप ये मस्जिद है, ये औरतों के लिए मस्जिद बनाई हुई है, जहाँ पे औरत नमाज पढ़ सकती हैं और विश्राम कर सकती हैं। और ये मस्जिद बनाई हुई है मर्दों के लिए, आदमियों के लिए यहाँ पे ये मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद बनाई हुई है, जहाँ पे लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आ गए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की मज़ार पर। यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी बड़ी मज़ार है, और लोग यहाँ पर अपनी मन्नत की चादर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर लाखों लोग पर डे आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। दोस्तों, यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया है। वो कहते हैं ना दोस्तों, दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती।
दोस्तों आप देखेंगे कि मज़ार की दीवारों पर लाल रंग के धागे बंधे हुए हैं जिन्हें कलावा कहा जाता है। ये आप देखेंगे मज़ार के पिलर पर भी धागे बंधे हुए हैं जो लोगों ने अपनी मुरादों के लिए बांधे हैं। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।